19 मई 2024 को ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी का हेलीकॉप्टर अजरबैजान के पास क्रैश हो गया था। इस हादसे में ईरान के विदेश मंत्री आमिर अब्दुल्लेहान की भी मौत हो गई थी। उनकी मौत को लेकर कई तरह के दावे किए गए थे, लेकिन एक हाई लेवल जांच में ये पता चला था कि खराब मौसम और हेलीकॉप्टर में खराबी की वजह से रईसी का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था। लेकिन अब रईसी की मौत को लेकर एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है, जिससे शक की सुई सीधे इसराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद की तरफ गई है। रईसी की मौत का इसराइल से क्या कनेक्शन है, ये बताने से पहले आपको ये जरूर बता देते हैं कि लेबनान में 17 और 18 सितंबर 2024 को एक बार में हजारों पेजर डिवाइस और वॉकी टॉकी में धमाके हुए थे, जिनमें 39 से ज्यादा लोगों की जान चली गई थी, जबकि 3000 से ज्यादा लोग घायल हुए। आपको ये भी बता दें कि ये वही पेजर डिवाइस हैं जिनका इस्तेमाल हिजबुल्ला के छोटे से बड़े नेता बातचीत के लिए करते हैं, और मोसाद इन पेजर डिवाइसों को विस्फोटक के साथ मैन्युफैक्चर करके इन्हें हिजबुल्ला को सप्लाई कर दिया था, जिन्हें रिमोट कंट्रोल के जरिए ब्लास्ट कराया गया। अब इन्हीं पेजर डिवाइस का कनेक्शन रईसी की मौत से जुड़ा है। दरअसल ईरान के सांसद अहमद बख्शायश अर्दस्तानी का ये कहना है कि ऐसा भी हो सकता है कि रईसी के पेजर डिवाइस में धमाका होने की वजह से उनका हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया हो। रईसी पेजर डिवाइस का इस्तेमाल करते थे, हालांकि हिजबुल्ला जिस तरह का डिवाइस इस्तेमाल करता है वो उस तरह का पेजर इस्तेमाल नहीं करते थे। हिजबुल्ला जिन पेजर डिवाइस का इस्तेमाल करता है, तेहरान उनकी खरीद से जुड़ा हुआ था। ईरानी सांसद ने आगे बताया कि निश्चित रूप से ईरानी सेना ने हिजबुल्ला के पेजर डिवाइस खरीद और इसके बाद भूमिका निभाई। हमारी एजेंसियों को भी इस मामले की जांच करनी चाहिए। आपको बता दें कि पिछले हफ्ते ही सोशल मीडिया पर रईसी की एक तस्वीर वायरल हुई थी, जिसमें वो एक पेजर डिवाइस इस्तेमाल करते हुए दिख रहे हैं। उनकी ये तस्वीर इराकी संसद के स्पीकर मोहम्मद अल हलबूस